हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने पिछले वीडियो में कवर किया था अपना पित दोष और उसके हमने टाइप बता दिए थे। तो इस बार आपके जो सिलेबस में पॉइंट है वो हमारा कप दोष की उत्पत्ति, निरुक्ति और उसके लोकेशन, प्रॉपर्टीज़, फंक्शन और हमारे 5 टाइप के जो कप है उनके बारे में, उनकी जो लोकेशन है स्पेसिफिक और हमारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। तो ये आपके सिलेबस में है इतना और इसको भी हम जल्दी कवर कर देंगे, ठीक है। तो आज की वो लेक्चर हमारा कफ दोष के ऊपर होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और अगर आप नए हैं चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मैंने ऑलरेडी एनाटॉमी के लेक्चर डाल रखे हैं सभी, ठीक है। तो आप वहाँ से अगर विजिट कर सकते हैं चैनल पर, आपको मिल जाएंगे। और नोट्स वगैरह के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिनकी सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, तो आप एक बार जरूर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा कफ दोष आ चुका है और सबसे पहले मत की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे, ठीक है। तो श्लिष आलिंगन धातु में हम मरिन पत्र लगाकर इसकी व्युत्पत्ति करते हैं, ठीक है। तो इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, श्लिष आलिंगन धातु में मरिन प्रत्यय लगाकर इसकी व्युत्पत्ति होती है, ठीक है, मरिन प्रत्यय। इसके बाद हमारा आता है निरुक्ति कैसे करते हैं इसकी। तो निरुक्ति होती है हमारी श्लिष आलिंगन, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद एक्स्ट्रा नहीं रखना है, क्योंकि अलग जो पिछली बार वात और कफ की जो सॉरी वात और पित्त की जो थी व्युत्पत्ति अलग थी, पर इसमें दोनों ही सेम चीज़ें हैं, तो आप इसको इजली याद रख सकते हैं। तो इसकी निरुक्ति थी हमारी श्लिष आलिंगन से हमारी इसकी निरुक्ति होती है। तो हम जो इसके बाद हमारा आता है कि पर्याय, तो क्या क्या नाम है उसके कप दोष के, तो हम इसको हम श्लेष्मा भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा बताई गई कि इसका मतलब क्या होता है श्लेष्मा का। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ होता है हमारा होता है मिलना, संयोग या फिर आलिंगन, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति होती है हमारी जलमाभूत की, जलमाभूत से इसकी उत्पत्ति होती है क्योंकि इसमें जलमाभूत प्रधान होता है, ठीक है। अतः हम बोल सकते हैं कि जो हमारे संयोग के कर्ता हैं, ठीक है, जिससे भी चीज़ें जुड़ती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कफ या फिर श्लेष्मा, ठीक है। इसके बाद हम इसके भौतिक गुण हैं, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। तो आपको ये श्लोक याद रखना है भौतिक गुण के लिए, ठीक है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है जो हमारा है, स्निग्ध शीत गुरु मंद सुलक्षणो मृत स्थिर कफा, ठीक है। तो ये श्लोक आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके गुण क्या क्या होते हैं हमारे, एक तो हमारा गुरु होता है, हैवी होता है, शीत होता है यानी कोल्ड होता है, मृदु यानी कि सॉफ्ट होता है, स्निग्ध यानी कि स्मूथ होता है, और पिक्शिल श्वेत और मंद, ठीक। इसके बाद हमारे आते हैं रासायनिक गुण, ठीक है। इसके बाद हमारे रासायनिक गुण आते हैं, तो ये हमारे जो नेचुरल स्टेट होती है उसमें हमारा मधुर होता है, और हमारे जब ये व्यग्रतावस्था आती है यानी कि थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी में, तो ये लेवडर जैसा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था में मधुर और वक्रता अवस्था में लवटर जैसा हो जाता है। इसके बाद हमारा मानसिक गुण क्या है इसमें, कि हमारा कौन सा गुण इसमें प्रधान होता है, तो हमारा तम गुण इसमें प्रधान होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर कफ दोष के बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि आप जानते ही होंगे कफ दोष के बारे में, तो हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना होता ज़्यादा और आपको जो सिलेबस है वो भी कवर जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमारा स्थान है कफ दोष का स्थान, आपको मैंने पहले बता रखा है कि आपको तीनों वात पित्त कफ के जो है वो सबके आपको श्लोक याद कर रखने हैं, तो आपको ये श्लोक याद रखना है। और कंठ शिरक्लोम पर्याण माशो रसा मेदो ग्रहण चा जिव्या चा कपस सुत्रामुर, ठीक है। तो उसके स्थान बताए गए कहाँ कहाँ होते हैं, तो हमारा वक्ष यानी कि चेस्ट, कंठ यानी कि गला, शिर यानी कि हेड, क्लोम यानी कि लंग्स, पर्व यानी कि हमारा होता है जॉइंट्स, और अमाशय यानी कि हमारा स्टमक, रस, मेद, ठीक है, हमारे धातुएं हैं, नासिका तथा जिव्या यानी कि जीव, ये हमारे जो हैं सभी कफ के स्थान हैं, ठीक है। इनमें भी हमारा जो मेन स्थान है वो कौन सा है, उर या वक्ष होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा सर्दियों में जो हमारे कफ जमा हो जाता है, ठीक है ना, हमको जुकाम वगैरह हो जाता है, तो मालिश वगैरह करते हैं विक्स लगा के तो हमारा सही हो जाता है। तो उसका मेन स्थान क्या है, उर है, ठीक है। और जो उसके अंदर स्थान है वो क्लोम यानी कि लंग्स वगैरह भी हैं इसके, और हमारे अमाशय, सिर और कंठ, ये भी हैं। इसके बाद हमारा जो आता है कफ के सामान कर सुलो क्या रखना है आपको, स्नेह बंधो स्त्रित चा गौरवम वृषतावलम क्षमा धृति लोभश्च कफ कर्मा विकार रजम, ठीक है। तो हमारा चरक सूत्र स्थान का श्लोक है, तो आपको याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है इसके जो मेन मेन पॉइंट है वो 3-4 याद रख लीजिए, क्या 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 इसका काम होता है। तो हमारा इसका काम क्या क्या होता है, कि हमारे शरीर में स्नेह यानी कि हमारा जो स्नेह यानी कि चिकनाहट शरीर में लाता है, ठीक है, बंद यानी कि जितने भी जॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको आपस में जोड़े रखता है, स्थिरित यानी कि जो शारीरिक अवयव यानी कि जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के उसको
स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है, उनको जोड़ रखता है आपस में। इसके बाद है गौरव, यानी कि गुरुता, जो भी हमारा हैवीनेस आती है बॉडी में इसकी वजह से, याति कफ की वजह से, विसत यानी कि वीरवत्ता, और हमारे वीर को बढ़ाने वाला होता है, बल बढ़ाता है हमारा, और शारीरिक और मानसिक शक्ति जो है हमें इससे ही मिलती है, और इसके अलावा जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, इम्यूनिटी होती है, वो भी इससे ही मिलती है। इसके अलावा हमारे क्षमा, धैर्य, अलोभता आदि जो मानसिक प्रवृत्तियाँ होती हैं उनका कर्म भी कफ करता है, ठीक है। तो हमारा ये जो टॉपिक था सामान्य कर्म, ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा कफ के प्रकार हैं। तो कितने प्रकार के कफ होते हैं? तो पांच प्रकार के होते हैं, पांच ही वात, पांच ही पित्त और पांच ही कफ, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे कफ होते हैं? एक तो हमारा श्लेषक कफ होता है, ठीक है, श्लेषक, आपको नाम से दिख रहा है श्लेष्मा इसको बोलते हैं। इसके बाद एक होता है हमारा क्लेदक, क्लेदक कफ, जो हमारा क्लेदन का काम करता है, ठीक है, छिन्न भिन्न करता है जो हमारे अन्न को, एक क्लेदक, और एक बोधक, ठीक है, जो हमारा बोध कराता है कि किस चीज़ में क्या रस है, तो एक हमारा बोधक, और एक हमारा होता है तर्पक, और एक हमारा होता है अवलंबक, ठीक है, अवलंबक। तो हमारे ये पाँच प्रकार के जो हैं कफ पाए जाते हैं बॉडी में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं श्लेष्मक कफ से। तो श्लेष्मा आपको जैसा पता है इसको पर्याय बोलते हैं, कफ को पर्याय का है श्लेष्मा, श्लेष्मा यानी कि जो हमारा संधियों के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है ना, जो संधियों में रहकर यहाँ पर उनका संश्लेषण करता है, ठीक है, उसको हम श्लेष्मक कफ कहते हैं। तो हमारा श्लेष्मक कफ का काम क्या होता है? हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनको आपस में सॉरी जॉइंट्स को आपस में जो है जोड़कर रखना हमारा ही श्लेष्मक कफ का काम होता है, ठीक है। और हमारा इसका काम होता है स्निग्धता, सुलक्षणता और पिछलता प्रदान करना। तो अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए मेरे, ठीक है सॉरी, तो अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 8532059749, ठीक है। पेड नोट्स हैं, आप अफोर्ड कर पाएंगे इतने के हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। इसके बाद हमारा आता है क्लेदक कफ, ठीक है, क्लेदक मतलब होता है क्लेदन करना, ठीक है, टुकड़ा नहीं कि टुकड़ों में उसको डिवाइड करना। क्लेदन मतलब कि होता है छिन्न भिन्न करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को छिन्न भिन्न करना, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, छिन्न भिन्न करना, अलग अलग करना, ठीक है, छिन्न भिन्न करना। तो हमारा जो क्लेदक कफ का काम होता है छिन्न भिन्न करना, तो इसका स्थान होता है हमारा आमाशय में, ठीक है। तो यहाँ पर ये श्लोक आपको याद रखना है क्लेदक कफ का, क्योंकि आपका ये जब आहार पाक आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी ये श्लोक आएगा, अन्नमादान कर्मा तु प्राण कोष्ठ प्रकर्षति तद्रव भिन्ने संघात स्नेहन मृदुता गतम, ठीक है, चरक चरक स्थान का श्लोक है। इसके बाद हमारा आते हैं कर्म, क्लेदक कफ के कर्म कौन कौन से हैं? तो हमारे कर्म हैं प्राण वायु अन्न को कोष्ठ में ले जाती है, यानी कि बोल रहे हैं कि जो प्राण वायु होती है हमारे फूड को हमारे स्टमक में ले जाती है, वहाँ पर उपस्थित द्रव उसका संघात नष्ट नष्ट हो जाता है, तथा द्रव के इसने अंश द्वारा यह मृदु हो जाता है, यानी कि वहाँ पर जो भी प्रेजेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उससे क्या होता है, हमारा जो फूड होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, ठीक है ना, एकदम से वो डाइजेस्टिव हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है क्लेदक का अर्थ होता है जो आद करे, वह अन्न को आद करता है, इसलिए इसे क्लेदक कफ कहते हैं। उसमें क्या है कि वो छिन्न भिन्न करके उसमें आद यानी कि नमी नमी पहुँचा देता है, ठीक है, फूड में नमी पहुँचा देता है, इस वजह से उसको हम क्लेदक बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है बोधक कफ, बोधक कफ यानी कि जो हमारा बोध करवाता है रसों का, तो हमारा स्थान इसका होगा जीभ से संबंधित, तो हमारे जीभ में रहकर रसों का ग्रहण करने वाले कफ को बोधक कफ कहते हैं। आपको पता ही है जो रस हमारे सात प्रकार के होते हैं, सॉरी छह प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है तर्पक कफ, तो हमारा तर्पक कफ रहता है हमारा सिर में, और इसका काम क्या होता है कि हमारा सिर में रहकर चक्षु आदि ग्रहण इंद्रियों को तर्पण करते रहने वाले कफ को तर्पक कफ कहते हैं। ये हमारा इसका मूल स्थान मस्तिष्क का स्नेहन तथा संतर्पण यानी कि पोषण आदि करना होता है, जिससे कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो मन से संयोग करके अपने प्राकृतिक कर्मों कर सकें।
इसका कुल मिलाकर काम होता है कि हमारे जो भी इंद्रियां हैं ठीक है वो अपने विषय को सही से ग्रहण कर रही हैं, तो उसको वो सही से ग्रहण करें ठीक है, उनमें कोई भी प्रकार की डिफॉर्मिटी नहीं आए, तो इस वजह से जो तर्पक कफ होता है वो इसमें हेल्प करता है। और ये हमारे ब्रेन में रहकर विचार, चिंतन, संकल्प आदि जो केंद्र होते हैं उनको क्या करता है, उनका पोषण करता रहता है ठीक है, वहाँ पर उनको यानी कि ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है, ये हमारा काम होता है तर्पक कफ का। इसके बाद हमारा आता है अवलंबक कफ। अवलंबक कफ हमारा रहता है उर में यानी कि चेस्ट रीजन में, तो आपको उर में कन्फ्यूज नहीं होना है, जब आपको ऐसा उर देखे ठीक है, इसका मतलब होता है हमारा चेस्ट रीजन, और यहाँ पर दो विसर्ग भी हैं और एक विसर्ग है, और जमाल लिखा हो उरु तो उसका मतलब होता है थाई रीजन ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको थाई। इसका हमारा अवलंबक कफ था, इसका काम क्या होता है कि उर में उपस्थित कफ अपने वीर से त्रिक स्थानों का धारण करता है, तो त्रिक स्थान यहाँ पर बताए गए हैं कि जो हमारा मेरुदंड के ऊपरी भाग के दोनों ओर से बाहु और ग्रीवा के संधि स्थल का भाग है, यानी जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके अपर साइड से लेके दोनों साइड जो अपने अंदर और बाहर के जो जो भी रीजन हमारा गर्दन से अटैच होता है ठीक है, उसको हम बोलते हैं त्रिक स्थान, तो वहाँ पर ये पाया जाता है ठीक है, वहाँ पर उनका क्या करता है कि वो एक दूसरे को आपस में जोड़े रखता है। इसके अलावा हमारा क्या है कि अनरस की सहायता से हृदय का अवलंबन करता है, तो हमारा जो अनरस होता है उसकी सहायता से जो हार्ट है उसको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद अपने अम्बु कर्म से अन्य कफों को भी बल प्रदान करता है, इसको इसको अवलंबक कफ कहते हैं ठीक है, तो अवलंबक कफ इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये अपने जल कर्म से जो अन्य जितने भी कफ हैं ठीक है उनका हमारा उनका क्या करता है, उनको बल प्रदान करता है, इस वजह से उनको मतलब कि इसको अवलंबक कफ कहते हैं। इसके बाद ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो चुका है, और अब आते हैं कफ वृद्धि और क्षय के लक्षण, तो आपको श्लोक याद रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है। श्लेष्मा अग्निसदम प्रसेकालस गौरवम श्वेत श्वेत स्थलांगत्व श्वास का अति निरता, यानी कि जब हमारे बॉडी में कफ बढ़ जाएगा तो क्या क्या लक्षण होंगे। सबसे पहले श्लेष्मा अग्नि सदन यानी कि जो हमारी जठराग्नि है ठीक है वो मंद पड़ जाएगी, यानी कि कम पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। इसके बाद प्रसे आलस गौरवम यानी कि हमारा जो प्रसे यानी कि लाला स्राव यानी कि जो हमारी लार है ना वो हमारी निकलने लग जाएगी, आलस यानी कि हमें आलस आने लगेगा, गौरव यानी गुरुता हमारा शरीर में भारीपन हो जाएगा, श्वेत श्वेत स्लांगत्व ठीक है हमारा जो स्थूल होगा वो वाइटिश हो जाएगा ठीक है, हमें सर्दी लगेगी और हमारे जो अंग हैं उसमें भी शिथिलता आएगी। इसके बाद हमारा क्या क्या है, श्वास काश और निद्रा की अधिकता भी हो जाएगी, श्वास रोग हो जाएंगे अपने को, काश रोग हो जाएंगे और हमें नींद बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगी, तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारी जो जितने भी लक्षण हैं ये सब कफ वृद्धि के हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है कफ क्षय के लक्षण, तो आपको इसका श्लोक भी याद रखना है, कफे भ्रमा श्लेष्म शयानम शून्यत्व हद हृदय हृदय द्रवम श्लथ संधिता, तो कफ के क्षय होने पर हमें चक्कर आएंगे, सिर में हो जाएगा खालीपन और हृदय में कपकपी और संधि में ढीलापन ठीक है, तो कफ क्षय के हमारे लक्षण हैं। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट, जितने भी टॉपिक में आपके थे मैं पॉइंट मैंने सब कवर कर दिए हैं, तो आपको कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।